गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 2 एंड अप टू क्वेश्चन नंबर 1 वी कम्प्लीटेड इन आर प्रीवियस वीडियो एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एंड इफ नॉट यू हैव डाउट्स तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. सो वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टर मेथड. मीन्स इस क्वेश्चन में आपको स्क्वायर रूट निकालना है कौन से मेथड से, फैक्टर मेथड से. मीन्स आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट इज 225. ओके नाउ 225 यू हैव टू मेक वन कॉलम. अब देखिए आप जब फैक्टर मेथड से आप करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक स्मॉलेस्ट नंबर देखना पड़ेगा और फिर उससे इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे. जैसे हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया 2, लेकिन पीछे 5 लिखा है और 5 ऑड नंबर है तो ये 2 से नहीं होगा. इसलिए आप 3 लेकर देखेंगे तो 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा. देखिए 3 7 जा 21, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15. फिर दोबारा 3 से 3 2 जा 6, यहाँ पे 5 1 बचेगा 15 और फिर हो जाएगा 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा. ठीक है, तो 225 का आपको क्या निकालना था, फाइंड द स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट का सिंबल कौन सा होता है, ऐसा. ठीक है, कल हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि रूट जो ये साइन है दिस इज नोन एज स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज आपका फैक्टर देखिए क्या था, 3 × 3 × 5 × 5. ठीक है, जब कभी भी ये रूट होता है तो दो नंबर की पेयरिंग में सिर्फ एक डिजिट लिया जाता है. ये 3 × 3 में से एक, 5 × 5 में से एक, तो ये हो जाएगा 3 × 5 दैट इज 15. अंडरस्टूड. नाउ सेकेंड इज 441. ओके नाउ 441 इसमें भी आप 2 से होगा नहीं ये, तो हम इसको 3 से करने की कोशिश करेंगे. 3 1 जा 3, 14 बचेगा, 3 4 जा 12, 21 बचेगा, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, 7 7 जा 49 और 7 1 जा. तो आपको रूट 441 का निकालना था, तो आप लिखेंगे 3 × 3 × 7 × 7. स्क्वायर रूट है, स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, 2 2, तो इसलिए इन 2 में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 7 दैट इज 21. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, सिंपल एक एक आपके पास में क्वेश्चन थे. तो अब देखिए इस वाले में क्या था, सिंगल सिंगल डिजिट आपने देखी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो करना तो वही मेथड है लेकिन थोड़ा सा आपका अलग हो जाएगा. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फर्स्ट पार्ट इज 289/361. ओके नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट. इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअल 289 का और फिर 361 का फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो पहले हम 289 का सॉल्व कर लेते हैं. 17 17 2 89 और 17 1 जा, ऐसे करके 361 का भी कर सकते हैं. 19 1 जा 19 और 19 9 जा 60 ये आ जाएगा, तो 19 जा होता है वो 361 होता है, 19 1 जा. तो आपका फाइंड द स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट लगाएंगे 289/361. तो 289 जो है वो किसका है, 17 × 17 का, और ये हो जाएगा 19 × 19, तो ये हो जाएगा 17/19. इस मेथड से यू हैव टू सॉल्व. सेकेंड पार्ट इज 214/25. तो इस टाइप के जब मिक्स्ड में रहते हैं जब आपका क्वेश्चन, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन. तो सिंपल फ्रैक्शन में पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये 25 टू जा कितना होता है, 50. ओके और पहले आप क्या करेंगे, साइड में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 25 टू जा आपका कितना होता है, 50, और जो आपका अपर पार्ट है 14 उसको इससे क्या कर देंगे, प्लस, तो आपके पास आ जाएगा 64, दैट इज 64/25. तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है 64/25 का, तो ये तो वेरी इजी है. आप 64 मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में, यू हैव टू लर्न द स्क्वायर्स. तो अगर आपने स्क्वायर अच्छे से याद करा होगा तो 64 जो होता है वो 8 का होता है, तो 8 × 8 लिख सकते हैं, और 25 किसका होता है, 5 × 5 का, तो दैट इज आपके पास बच जाएगा 8/5, क्योंकि 2 में से सिर्फ एक ही नंबर बाहर आता है, तो 8/5. लेकिन आपका क्वेश्चन जो था वो किस में था, आपका मिक्स्ड में था. ओके तो इसीलिए आप इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड में, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 3 बचेगा, तो 1 3/5 इज योर.
सो दिस इज योर आंसर. नाउ फिफ्थ पार्ट, इसमें क्या है आपका डेसिमल लगा हुआ है, तो ये है आपके पास में 8.41. तो कैसे करके सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इजीएस्ट मेथड में 8.41 से आप क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे. ओके, सो 8.41 में अगर पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो आप दो जीरो प्लेस कर दीजिएगा. ओके, नाउ 841 का अगर आप सॉल्व करेंगे तो 29 सा 841 और 29 1 सा 841 और 100 का सॉल्व करेंगे तो 10 सा 100 10 1 सा, मतलब अंडर रूट ऑफ 841 अपॉन 100 क्या हो जाएगा आपका 29 × 29 डिवाइडेड बाय 10 × 10, तो ये हो जाएगा 29 upon 10, दैट इज 2.9. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. For a classic picnic, students collected ₹4,225. एक क्लास की पिकनिक जा रही थी, स्टूडेंट्स ने इतना मनी को कलेक्ट करा. ईच स्टूडेंट गेव एज मनी रुपीज एज देयर वर स्टूडेंट्स, तो अपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने सबने पैसा जमा किया. हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर एंड हाउ मच मनी डिड ईच कंट्रीब्यूटेड, तो वहां पे टोटल कितने बच्चे पिकनिक में गए, क्लास पिकनिक में, और उन्होंने कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट करा. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन. नाउ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अब सबसे पहले आपका रुपीज 4,225 स्टूडेंट्स ने इतना मनी को क्या करा, कलेक्ट करा. तो पहले हम फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं. ओके, नाउ पीछे 5 है, 5 से करने की कोशिश करिए. 5 × 8 = 40, 22 बचेगा आपका. 5 × 4 = 20 और 5 × 5 = 25. फिर दोबारा 5 × 1 = 5, 6 × 7 = 8, मतलब 34 होगा. 5 × 6 = 30, 5 × 9 = 45. उसके बाद आपको पता है कि 13 जा जो होता है 169 होता है और 13 × 1 = 13 होता है. ओके, नाउ अब आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे 4225 का. तो इसके अंदर लिखेंगे 5 × 5 × 13 × 13, इन दोनों पेयर में से एक एक नंबर आपको लेना है. ओके, नाउ 5 × 13 लेंगे तो 13 × 5 = कितना होता है 65. ओके, तो वो बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर एंड हाउ मच मनी डिड ईच कंट्रीब्यूटेड, मीन्स सो रिक्वायर्ड आंसर तो आपका कितना आ गया 65. तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, स्टूडेंट 65 आर देयर. ठीक है, 65 स्टूडेंट्स थे वहां पर. एंड हाउ मच मनी डिड ईच कंट्रीब्यूट, एंड ईच 65 स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट रुपीज, ईच रुपीज 65 कंट्रीब्यूटेड, इतना पैसा उन्होंने दिया. अंडरस्टूड. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. अ सेमिनार हॉल हैज 1764 सीट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज. एक सेमिनार हॉल है जिसमें 1764 मतलब 1764 सीट्स है हर रो में, और ईच रो कंटेनिंग एज मैनी सीट्स एज देयर आर रोज. हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन ईच रो, मतलब हर रो में कितनी कितनी सीट होगी, टोटल कितनी सीट है आपके पास 1764. तो इसको भी पहले आप फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे. 1764 इतनी सीट है आपके पास में. ओके, फैक्टर मेथड से 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 4 = 2, 4 = 2, 1 =, ठीक है, फिर 4 × 4 = 1, सो 3 से करिए, 3 × 1 = 3, 14, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 21, 7 × 7 = 49, 7 × 1 =, तो अंडर रूट ऑफ 1764 को सॉल्व करेंगे तो 2 × 2, 3 × 3, 7 × 7. ओके, नाउ इन दोनों में से पेयरिंग करके एक एक डिजिट बाहर निकालिए. 2 × 3 × 7, तो 2 × 3 = 6 और 6 × 7 = 42. तो ईच रो में कितनी सीट्स हैं आपकी, 42. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. Also find the square root of the square number so obtained. Means, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर, मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक ऐसा नंबर, एक स्मॉलेस्ट नंबर आपको ढूंढना है जिस नंबर का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ओके, और फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पहले स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट भी आपको फाइंड करना है. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड, जो स्क्वायर नंबर आपको मिलेगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है. ओके, नाउ द फर्स्ट पार्ट इज 147. तो 147 को आप सिंपल फैक्टर मेथड से करेंगे,
थ्री से कर लीजिए, 3 4s are 12, 3 9s are 27 और 7 7s are 49, 7 1s are, तो अंडर रूट ऑफ 147 को आप पेयरिंग करेंगे तो 3 × 7 × 7, तो देखिए 7 × 7 में से तो एक 7 बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अकेला। तो वो बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा 147 में जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो आपको क्या करना है, तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 जो है वो नंबर छूट गया है, ओके, उसके साथ पेयर नहीं बना है, तो जिसका भी पेयर नहीं बनता है वही नंबर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इसमें, तो वो नंबर हो गया आपका 3। सो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which is multiplied by 147 to become a perfect square, okay? इसमें आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। Therefore, perfect square obtained। कैसे करेंगे, 147 तो आपका नंबर था, उसमें आपने 3 का मल्टीप्लाई करा, ओके, 3 7s are 21 का 2, 4 3s are 12 और 12 + 2 14 का 1, 1 3s are 3 और 1 4, तो ये हो गया आपका 441, मतलब 441 का अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 का ही इसमें मल्टीप्लाई करा है, पहले देखो 3 × 3 हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा आपका, तो इन दोनों में से 3 नंबर बाहर आ जाएगा और इन दोनों में से क्या आएगा, 7, तो 3 7s are 21, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या किया था, कौन सा नंबर ऐसा था जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हमने पूछा था। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसमें कि आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, और उसके बाद जब आप वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे तो उसके बाद आपको फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन का फर्स्ट पार्ट इज 180, तो पहले आप 180 को सॉल्व कर लीजिए, 2 9s are 18, 0, 3 3s are 9, 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15 और 5 1s are, तो पहले आप इसका स्क्वायर रूट के हिसाब से निकाल दीजिए 180 का, 2 × 3 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये वाले 3 और ये वाले 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन आपका एक नंबर जो है वो क्या हो गया है, छूट गया है, इसके साथ कोई भी पेयर नहीं है, मींस नेमली 5 विच डज नॉट एग्जिट इन पेयर, ये पेयर एग्जिट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई था तो आपने लिखा कि उस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिवाइड करेंगे, ओके, तो क्या करेंगे आप 180 में से जो नंबर आपका पेयरिंग नहीं बना है, वो नंबर जो छूट गया है, उसको 180 से क्या करेंगे आप डिवाइड, क्योंकि ये डिवाइड बोल रहा है इसमें, ठीक है। देयरफॉर टू मेक 180 अ परफेक्ट स्क्वायर वी डिवाइड इट बाय 5, ओके, आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो वो स्मॉलेस्ट जो नंबर आपको निकालना था वो स्मॉलेस्ट 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वो नंबर जो छोटा नंबर है जिसको आप डिवाइड करेंगे तो वो कौन सा नंबर होगा आपका 5, ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका ये जो है आपका क्वेश्चन, इसमें आप क्या करेंगे 5 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 5 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका हट जाएगा, ठीक है, ओके, तो आपका ये हट जाएगा, तो आप क्या करेंगे 180 जो आपका क्वेश्चन है उसमें आप 5 को डिवाइड करिए 5 से, तो जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3s are 15 एंड 5 6s are 30, तो रूट आप, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था स्मॉलेस्ट नंबर के साथ साथ आपको फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, इसका रूट भी निकालना है, तो रूट 36 का आपको स्क्वायर रूट याद होगा 6, तो इन दोनों में से एक ही डिजिट बाहर होता है, तो 6 इज योर आंसर। थैंक यू।